मेरी कोलीग कह लें, मेरी बहन कह लें, शमसा सिद्रा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात दिलाई क्योंकि इस पर तो अभी रीमेक बनाई है। प्रो कौन सी वाली मूवी बनाई है अभी जो नहीं मौला है? जट, मौला जट, मौला जट जो मूवी बनाई है, मगर आपका कोई मुकाबला नहीं। तो वो नवा सोनिया जो है ना, तो पुराने हो गए पर क्यों पाटे पुराने हो गए। तो अब मैं कैसे कहूँ, जबकि आप सब मेरे अपने हैं, मेरे लिए आप लोग दया नहीं हैं, ना मैं आपके लिए दया हूँ, फिर मैं आप लोगों को कैसे कहूँ? फरजाना आपको मैं कैसे कहूँ, सिद्धू साहब की बहन को आपको मैं कैसे कहूँ कि नवाया है सोनिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। प्लीज कुछ कहना चाहेंगे और फिर आप शुरू करिए अपना, ये स्टेज आपका हुआ। मेरी बेगम सामने से आ रही है तो मैं कहूंगा उनकी सूरत नजर आए तो जाने बाहर को टाल सकते। थैंक यू। ये दूसरा ये पंजाबी गीत है और ये भी एक बहुत ही ट्रेडमार्क गीत है और उनकी पहचान है दोनों संतोष साहब और सभी मामानी की। इसके मेल फीमेल वर्जन्स दोनों हैं, इसके कुछ अशआर पेश करता हूँ आपके साथ। I'm
शुक्रिया। ये सब तुम्हारा कर्म है कि बात अब तक बनी हुई है। मैं इस लाइफ में ही हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। सिर्फ जिसे कहना चाहिए ना, कोशिश करते हैं, कोशिश के बगैर अल्लाह ने कहा है जो अपनी मदद आप नहीं करता कुछ नहीं। तो जब तक आप खुद करेंगे बाकी रब पे छोड़ दें। आज सब ने कहा धुआंधार बारिश होनी है, सब ने कहा आज पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा मैंने रब सबसे बड़ा है। आज हमने एक प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए रखा है, आज हमने एक प्रोग्राम रखा है, मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त पे सब छोड़ रही हूँ। अभी तक शुक्र है कि मौसम अभी तक खुशगवार है और बारह ने रहमत हो कराची, तो जहमत की ना रहमत। मैम ये बताइए आपके आप आगे आने वाले दिनों में क्या इनिशिएटिव लेना चाहती हैं, क्या ऐसा एग्जाम लेना चाहती हैं लाए हमारे प्यार करेंगे, ये ऐसे बच्चों के लिए जो है मुस्तकिल बुनियाद पर कुछ ऐसा हो अच्छा होता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि अकेला मैं कुछ नहीं, अकेले मैं कुछ भी नहीं। मैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, मुझे जिन जिन की सपोर्ट मिली, मेरी दोस्त अमेरिका में बैठी, मेरा भाई अमेरिका में बैठा है, मेरी कज़न्स हैं और मेरे जितने और जानने वाले हैं यहाँ पाकिस्तान में बाहर भी, अगर वो ये मुझे मदद ना करते आज के प्रोग्राम के लिए, तो मैं समझती हूँ आज के प्रोग्राम नहीं बल्कि ये ईद जो ड्रेसेस हमने ईद काम किए हैं ऑनियर भी नहीं किए कभी नहीं। ये पहली दफ़ा ऑनियर है, ये पहली दफ़ा ऑनियर है। आर एस ट्रस्ट मेरे वालदेन के नाम रेहाना रईस एंड शिरानी, तो आर एस सनी के नाम पे मैंने किया और ये सब क्योंकि दिखावा नहीं करना था। मगर फिर मैंने सोचा कि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा जो लोग मदद करना चाहते हैं तो एप्रिसिएशन तो अपनी जगह, मगर जब लोगों को पता चलेगा, क्योंकि देखें मैं एक तो ये चाहती हूँ किसी को भिखारी ना बने, बिल्कुल सही, मैं चाहती हूँ एम्प्लॉयमेंट हो, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। गरीब अमीर पैसा इज्जत नहीं, पैसा हर गरीब की भी इज्जत और गरीब के पास तो इज्जत से बढ़कर कुछ और है, और वही उसकी इतनी बड़ी दौलत है कि आपके उसके अलावा कहती कुछ हमारे पास भी कुछ। तो और लोग आगे बढ़ के हमारे ट्रस्ट की अगर मदद करते हैं तभी हम इस काम कार्य खैर को लेकर चलेंगे। बिल्कुल
सिर्फ सिरातुल जन्नत ही नहीं, मैंने कहा रसूल पाक ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है कि अगले जहान में जो यतीम की मदद करेगा मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये मेरे थे, ठीक है। तो इसी उस पर बात पर मैं कहती हूँ कि यतीमों का तो हम पे बहुत बड़ा एक हमारा फ़र्ज़ बनता है, सब मिल के करें, क्योंकि उनकी यतीम भी ना, मैं उनकी माँ, जितनी औरतें हैं वो उनकी माँ हैं, जितने मर्द हैं वो उनके बाप, तो वो भी औलाद, वो भी मतलब मैं बिन माँ बाप के नहीं हूँ, लोगों की एक माँ होती है और एक बाप, इन बच्चों के हम सब हैं। नज़र पॉइंट के तवस्सुत से कि आप दानिश जितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, मैं समझती हूँ कि दानिश को जितनी सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं करें, क्योंकि ये ऐसे कार्य खैर में वे लॉस होकर खिदमत करते हैं। मैं सही बताऊँ कि इन्होंने मेरे साथ किस तरह से तावन किया है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं, कुछ ना, मैं कहती हूँ अमाउंट ही नहीं है कुछ, जो हम इनको कुछ भी नहीं लिया है, मगर मैं आपसे कहती हूँ कि इनकी खिदमत हासिल ज़रूर, वे लॉस काम और बड़े पैशनेट होकर के काम। थैंक यू सो मच। फंड रेजिंग म्यूजिकल इवनिंग कम डिनर 28 अप्रैल को जो मुनक्कद हुआ सर्विसेज बेस क्लब कराची में, अभी आपने कुछ ही हिस्से देखे हैं, तो कहीं मत जाइएगा, ये भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। सो वेट एंड वॉच। अभी आपने कुछ ही हिस्से देखे हैं, तो कहीं मत जाइएगा, ये भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। सो वेट एंड वॉच।